अपना परिचय दे दीजिए, किस लिए आप लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। मैं सुधीर तिवारी, सहायक मंडल मंत्री और युवा मंडल संयोजक नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। 1974 से लगातार हम लोगों को PLB बोनस मिलता रहा। इस बार भी सरकार देने में आनाकानी कर रही थी, देर कर रही थी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि अगर 21 तारीख तक बोनस का भुगतान, बोनस के ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे कैबिनेट के द्वारा, तो 22 तारीख से सुबह हम लोग गाड़ियाँ चलाएंगे, गाड़ियाँ जाम करेंगे। सरकार ने पूरी तरह से हमारे साथियों का टेस्ट किया, पूरे देश में ARF के झंडे की तरह प्रदर्शन हुआ। और इनकी जो अपनी LIU है, IV है, और भी जितनी इनकी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के माध्यम से सरकार को जब पता चला कि 70 से 80% रेल कर्मचारी ने बोनस के इशू पर रेल रोकने का 22 तारीख से सुबह मन बना लिया है, तो सरकार बैकफुट पे आई और उसने कैबिनेट बुला करके हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों का, लगभग 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का बोनस पास करने का काम किया। और पास करने का ही काम नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये पूरा पैसा केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में जाएगा, ये कोई पैसा PF में नहीं जाएगा, कोई मार्केट का वाउचर नहीं मिलेगा, कोई एडवांस नहीं, सारा जितना भी बोनस का है वो हमारे खाते में जाएगा और ये पैसा दशहरे के पहले हम लोग खाते में आ जाएगा। उसी उपलक्ष्य में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन रायबरेली शाखा के साथियों ने अपने संघर्ष की जीत को मानते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाने का काम किया। रायबरेली में कितने कर्मचारी हैं? रायबरेली में रेलवे में लगभग 1500 रेल कर्मचारी काम करते हैं रायबरेली उपमंडल में, और ये 1500 परिवारों के लिए खुशी का त्यौहार है, त्यौहार अच्छे से बीतेगा। लगभग 17,991 रुपये का भुगतान एक रेल कर्मचारी को होगा और वो हमारे शनिवार तक हमें सभी रेल कर्मचारियों के खाते में आ जाएगा। कौन कौन लोग मौजूद हैं यहाँ पर? इसमें हमारे शाखा मंत्री देव कुमार जी हैं, शाखा अध्यक्ष जावेद मसूद जी हैं, स्टेशन अधीक्षक राकेश कुमार जी हैं, चीफ कंट्रोलर राजू श्रीवास्तव जी हैं, अल्ताफ भाई हैं, शांति मिश्रा जी हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, हमारे बहुत सारे रेल कर्मचारी करीब 100 से ऊपर की संख्या में इकट्ठा थे और सब लोगों ने इसको मनाया है। और AIRF और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की ये बड़ी जीत है, सरकार से लड़ करके हमने ये बोनस लिया है। हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगता था कि हमने अपनी मेंबरशिप 200 से बढ़ा करके 500 कर दिया है और बोनस पे लेवी नहीं लेंगे, इसलिए यूनियन बोनस के मुद्दे पे नहीं लड़ रही है। हमने अपने विरोधियों की उस बात को भी मिथ्या किया कि बोनस पे हम ही लड़े, हमारे संघर्ष के बाद ही रेलवे में इनको बोनस मिला, हमें उसमें कोई लेवी नहीं लेना है, कोई चंदा नहीं लेना है, लेकिन रेल कर्मचारियों की खुशी हमारी खुशी है, हमारे संगठन की खुशी है, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की खुशी है। और इसके लिए कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय पर जो है सरकार को चिताने का काम किया, संघर्ष का आह्वान किया और पूरे देश का रेल कर्मचारी उनके साथ खड़ा होकर के प्रदर्शन किया, इसलिए ये बोनस मिला, इसी के लिए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जय हिंद, जय मजदूर।